हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त देवव्रत मौर आप सभी का अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देव मैजिक पर। दोस्तों, आपके लिए लेकर आया हूं आपके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसको हमने नाम दिया है दूसरा जन्म उद्देश्य। जी हां दोस्तों, दूसरा जन्म उद्देश्य। तो क्या है ये दूसरा जन्म उद्देश्य? दोस्तों, इसको जानने से पहले मैं पहले जन्म के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। आपका पहला जन्म तब होता है जब आप माँ के कोख से इस दुनिया में पहली बार बाहर आते हैं, और इस दुनिया में आते ही आपको ये पता चलता है कि आपकी ये माँ है, ये खुशबू है उनकी, ये बाहरी लोग हैं, ये हमको दूध पीना है, हमको भूख लग रही है, या ये आवाजें हैं। लेकिन हमारा दूसरा जन्म तब होता है जब हम ये जान पाते हैं कि हम क्यों पैदा हुए हैं, हमको करना क्या है अपने जीवन में, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। तो दोस्तों, आप जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोग अपने आप से सवाल करिए कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपको करना क्या है आगे जीवन में, और आपको जीवन में एक बड़ा लक्ष्य बनाकर बड़े हेतु के लिए काम करना है। हम इसलिए पैदा थोड़ी हुए हैं कि सुबह शाम को खाना खाए और रात में सो जाए और सुबह स्वच्छता अभियान में चले जाए। न हमको कोई देश में जानने वाला है, न प्रदेश में जानने वाला है। हमको अपने विचार के कुछ लोग विपरीत पैदा करना है, कुछ लोग सपोर्टर पैदा करना है। यानी कि हमने क्या किया जीवन में, इसके कुछ हमारे विचार के विपरीत भी रहेंगे, कुछ हमारे विचार के साथ भी रहेंगे। तो ये होता है जीवन का कुछ उद्देश्य जीने का। तो आप भी अपने जीवन में अलग अलग उद्देश्य बना सकते हैं। आपको मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। मराठी के एक प्रोफेसर का बच्चा 10वीं में फेल हुआ, लेकिन अपना उद्देश्य बनाया कि हमें क्रिकेटर बनना है। तो आज हम उनको सचिन तेंदुलकर के नाम जानते हैं, क्रिकेट के भगवान के नाम से जानते हैं। किसी ने अपना उद्देश्य हॉकी खिलाड़ी होने का बनाया, तो आज हम उनको मेजर ध्यानचंद के नाम से जानते हैं, हॉकी जादूगर के नाम से जानते हैं। किसी ने अपना उद्देश्य बनाया कि हमें गुलामी से अपने देश को आजाद कराना है, तो आज हम उन्हें परम पिता महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। किसी ने अपना जीवन का उद्देश्य बनाया हमको सिंगर बनना है, आज हम विश्व विख्यात गायिका लता मंगेशकर के नाम से उनको जानते हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने उद्देश्य को पहचानिए और उद्देश्य को पूरा करने के लिए लग जाइए। उद्देश्य पूरा करने में दोस्तों कठिनाइयों का सामना भी आपको करना पड़ेगा, और कठिनाइयों से लड़ते हुए अपने उद्देश्य को प्राप्त करिए। कई लोग परेशानियों को बड़ा बना लेते हैं और उद्देश्य भूल जाते हैं, अपने रास्ते से भटक जाते हैं। तो दोस्तों, आपका उद्देश्य इतना बड़ा होना चाहिए कि हर परेशानी उसके सामने छोटी लगे, तब जाके आप सफल होंगे। क्योंकि उस ईश्वर अल्लाह मालिक ने सबको बराबर सोचने समझने और अपने आप को जानने का मौका दिया है। मनुष्य की सफलता और असफलता उसके स्वयं के क्षमता, प्रतिभा और प्रारब्ध पर निर्भर करता है। अगर आपने अपने आप को पहचान लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, आपको अपने उद्देश्य से कोई नहीं भटका सकता है, और आप आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इन बातों से काफी सारा ज्ञान मिला होगा और आप अपने जीवन में बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं। तो अगर आज अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक पे वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों, आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।